तलाश में बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है, और ये जो वो सारी कुछ चीज़ें मिलेगी, सस्पेंस थ्रिलर है और परफॉर्मेंसेज हैं आमिर साहब, करीना कपूर, रानी मुखर्जी और जो और उनके अलावा जो बाकी एक्टर हैं हम लोग जो हैं उन सबकी परफॉर्मेंसेज बहुत अच्छी हैं। राजकुमार यादव हैं और सुब्रत दत्ता है, शिबा है, जो सब लोगों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। आमिर जब काम करते हैं तो वो इतना उनके साथ काम करते हुए लगता ही नहीं है, मतलब वो बिल्कुल एक्टर की तरह काम करते हैं। मतलब ऑफ कोर्स सुपरस्टार हैं नो डाउट, लेकिन वो बहुत बड़े एक्टर भी हैं। उनकी आप फिल्में देखिए, लाइक जैसे लगान है, उस तरह की फिल्में करते हैं, प्रोड्यूस भी उस तरह की फिल्में करते हैं, लाइक जैसे पीपली लाई हुई, डेली बेली हुई हैं। मतलब उनका उनका विजन जो है ना फिल्मों को लेके बहुत ही बड़ा है, वो तो हर तरह का है। मतलब हर तरह, वो कमर्शियल फिल्में भी करते हैं और इस तरह की पीपली लाइव जैसी फिल्मों को फिल्में में भी इंटरेस्ट लेते हैं, लगान जैसी फिल्म भी करते हैं। तो ये एक ऐसा सुपरस्टार है जो हर तरह के सिनेमा के साथ चल रहा है। अच्छे एक्टर से कभी कंपटीशन नहीं होता, अच्छे एक्टर से क्या होता है कि गिव एंड टेक होता है। अगर वो उस फिल्म में बहुत अच्छा काम किया है तो आपको एक किक लगती है कि अभी नेक्स्ट फिल्म में मैं भी, जो थोड़ा सा अगर थोड़ा पैसिव हो गया तो तब एक्टिव हो जाऊंगा, मुझे मैं भी मेहनत करूंगा। तो अच्छे एक्टरों का ये होता है कि अगर मैं तो चाहता हूँ और अच्छे एक्टर हों ताकि एक कॉम्पिटिशन करने में, एक मेहनत करने में फिर से मज़ा आए। तो एक अच्छा माहौल हो जाता है अच्छे एक्टरों की वजह से। आमिर साहब के साथ काम करने में बड़ा मज़ा आया। ये दो फैक्टर थे, रीमा और आमिर साहब, इनके साथ हर आदमी जुड़ना चाहता है। गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद कम से मेरे ख्याल से मेरे पास 125 ऑफर्स फिल्म्स के आए हैं। मतलब मेरे अभी स्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट्स रखी हुई है यहाँ पे, कम से कम 25-30 के आसपास तो स्क्रिप्ट्स हैं यहाँ पे, जो अंदर बाहर दोनों जगह पर रखी हैं, और 50 के आसपास मेरे पास मेल हैं, और बाकी हार्ड कॉपीज़ ये वो सब मेल हार्ड कॉपीज सिनॉप्सिस वगैरह। तो ऑफकोर्स बहुत बड़ा चेंज आया है, और ये चेंज थैंक गॉड, मतलब चूंकि ये सिनेमा बिल्कुल चेंज हो रहा है, अच्छी फिल्में, जो बड़े बजट की जो फिल्में हैं वो भी चल रही हैं, और हमारे जैसी जो छोटे बजट की फिल्में हो रही हैं वो भी अप्रिशिएट की जा रही हैं, चल रही हैं, बॉक्स ऑफिस पे हिट हो रही हैं। तो एक बहुत ही अच्छा टाइम है फिल्म इंडस्ट्री के लिए। तलाश में जिस चीज़ की तलाश हो रही है उसके बारे में मैंने बता दिया तो तलाश ख़त्म हो जाएगी फिर, तो बेटर है कि आप 30 नवंबर का इंतज़ार करें और उसमें मालूम हो जाएगी किस चीज़ की तलाश हो रही है।